मंदिर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई, जिसमें मंदिर और मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने को लेकर दिए निर्देश दिए गए। साथ ही शहर में शांति व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे। सभी को जागृत करने के उद्देश्य से एक उड़न दस्ता टीम के साथ कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, ताकि कोई भी शिकायत मिलने पर उड़न दस्ता जाकर कार्रवाई करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि प्रदूषण को नापने के लिए यंत्र भी निर्धारित किए गए हैं। डीजे पर कार्रवाई किए जाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो मस्जिद और मंदिर और ट्रस इसके अंदर निकाला है, अपने ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो ध्वनि प्रदूषण 3 मिनट 4 मिनट के लिए अजान दी जाती है, पब्लिक को खबर करने के लिए टाइम हो गया नमाज का, इससे ज्यादा तो माइक पे आवाज कोई भाषण नहीं दिया जाता। मंदिरों के अंदर आरती होती है, सुबह और शाम आरती होती है, इसकी जगह इनको जो बैंड करना था डीजे पे बैंड करना चाहिए प्रशासन को, जो डीजे की वजह से हार्ट पेशेंट उसके पास से जा नहीं सकता, ना वो मंदिर को देखते हैं, ना मस्जिद को देखते हैं, ना स्कूल देखते हैं, ना अस्पताल देखते हैं, वो डीजे वाला फुल स्पीड में बजाता है, यहाँ तक के पास में आदमी भी चलता है तो उसके हार्ट पे असर पड़ने लगता है। तो प्रशासन से निवेदन है कि वो डीजे पे सख्ती से पाबंदी लगाए। हम लोग जो हैं, मेरे साथ मंदिर ट्रस्ट वाले लोग भी खड़े हैं और मस्जिद कमेटी वाले लोग भी खड़े हैं, सबों ने निर्णय परमिशन लेने की बात है, हम परमिशन ले लेंगे, लेकिन उसके अंदर सिर्फ आवाज की बात आ रही है कि प्रदूषण नहीं किया जाए, तो हमारी मस्जिद तो प्रदूषण तो होता ही नहीं। सरकार ने इस पर भी विचारणा करनी चाहिए, क्योंकि जो डीजे बजता है, अगर हम गाड़ी में भी बैठे हैं फोर व्हील में, तो भी उस गाड़ी पूरी कांपने लगती है, इतना सारा डीजे बजता है। तो हर एक चीज़ लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट से बाहर कोई भी चीज़ गई, या मनुष्य का जीवन हो, इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह हो, या कोई भी चीज़ हो, तो अवश्य हानि वो देती देती है, पर सरकार ने इस पर विचारणा करनी चाहिए। उनका जो आदेश आया और आप लोगों को बैठक में बुलाया गया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? हमारा कहना ये, शासन ने जो आदेश पारित किया है वो योग्य किया है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्यों कि आज हमारे भारत में इतना प्रदूषण फैला हुआ है जिसका कोई हद नहीं। जो शासन के निर्देश आए हैं लाउडस्पीकर को लेकर के, तो इसके संबंध में हमने आज बैठक का आयोजन किया था, और जिसमें सभी धर्मावलंबी जो भी धर्म गुरु है उनको हमने यहाँ आज आहूत किया था, और उनसे अपेक्षा की है कि सब आम जो व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं वहाँ तक ये मैसेज।